हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गिगल्स बाय मीनाक्षी। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसे दिन में दो बार पीने से ना तो आपको सर्दी होगी, ना खांसी, ना ही जुकाम। और फिर अगर आपको ऑलरेडी कफ कोल्ड है तो आप इसे लीजिए और आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। यू कैन ट्रस्ट मी गाइस फॉर दिस। सो चलो आइए स्टार्ट करें हर्बल टी बनाना। 3 कप हर्बल टी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1.5 पेसी गुड़ की, तो आप देख सकते हैं 1 और 2 छोटे पीस। साथ में लिए हैं मैंने 4 से 5 तुलसी के पत्ते, ये है 2 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा अदरक और 2 पीस लौंग के, ये है मेरी सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च लूंगी मैं। सारी क्वांटिटी मैंने मेंशन की है स्क्रीन पे। और ये है चाय पत्ती, तो अच्छे ब्रांड की ही लें, ये मैंने ब्रुक बॉन्ड की ली थी। अब 3 कप बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है और 2 कप दूध लूंगी। दूध कोई भी ले सकते हो, रेगुलर या लो फैट, हाई फैट, कुछ भी। अब एक चट्टू बट्टे में आप अदरक, दालचीनी, इलायची और लौंग डालें, साथ में तुलसी के पत्ते भी डालने हैं इसमें। इसको अच्छे से पीसना है हाथ से, तो तब तक पीसे जब तक अदरक पूरा छोटे टुकड़ों में पीसा ना जाए और साथ ही में इसकी प्रॉपर एक पेस्ट ना बन जाए। तो अब मैं इसको पीस रही हूँ, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो ध्यान दीजिए अच्छे से करें, तभी इसमें चाय का असर पूरा आएगा। तो ये देखो कि अच्छे से पिस चुका है। तो अब एक पैन लेंगे आप चाय बनाने के लिए। पैन में आप पहले पानी डालें और पानी डालने के बाद आप साथ ही में इस गुड़ डाल देंगे और 1 चम्मच या आधा चम्मच सौंफ, जितना आप चाहते हैं उसका फ्लेवर चाय में। तो मैंने अब सौंफ डाल दी है इसमें, 1 चम्मच डाली मैंने। साथ ही में मैंने जो पीसा हुआ था सारा मिक्सचर वो डाल दिया है और अब इसको मैं बॉयल आने का वेट करूंगी। साथ ही में 1/4 टीस्पून आप काली मिर्च भी डालें। तो एक बॉयल आने के बाद अब आप इसको सिम पे रखेंगे 5 मिनट ताकि ये थोड़ा मिक्सचर जो है वो अच्छे से कड़ जाए। तो सिम पे से ज़रूर रखें 5 मिनट और अच्छे से इसको करने दें मिक्सचर को। सो अब आप इसमें 5 छोटे चम्मच चाय पत्ती के डालेंगे। मैंने कड़क चाय, मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा ही रखती हूँ, तो आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये छोटे चम्मच थे मेरे, तो 5 चम्मच मैंने डाली है, तो अगर बड़े चम्मच होंगे तो 3 चम्मच काफ़ी हैं। तो अब इसको भी बॉयल आने दें और 2-3 बॉयल इसको दें ताकि जो चाय पत्ती है वो अच्छे से रस जाए पानी में। इसके बाद आप 2 कप दूध डालेंगे। अब तो दूध मैंने नॉर्मली था जो घर का वही डाला है, तो आप अगर लो फैट है वो भी डाल सकते हैं और अगर फुल फैट मिल गया तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है। सो अगेन अब आप बॉयल आने का वेट करेंगे और बीच बीच में मिक्स देते रहें। तो मैं बीच में छन्नी के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स देती हूँ ताकि चाय थोड़ी झागदार बने और थोड़ी क्रीमिश हो। मेरी एक और वीडियो है 5 मिनट में झागदार चाय कैसे बनाएं, वो मैं लिंक एंड में दे दूंगी। 2-3 बॉयल दें इसे और उसके बाद आप सिम पे रखें 5 मिनट ताकि जो चाय आपकी पूरी कड़क बने। तो मैंने इसको अब सिम पे रखा था, साथ साथ में बॉयल्स भी दे रही हूँ। सर्दियों में गुड़ यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो गाइज, दिन में एक बार इस गुड़ का यूज़ ज़रूर करें, किसी भी चीज़ में डालकर आप लीजिए, चाहे वो चाय है या फिर कोई स्वीट डिश है, कुछ भी। तो उससे एक तो आपकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही इम्प्रूव होती है और दूसरा एक नॉर्मल शुगर की बजाय अगर आप वो यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा रहेगा। सो मेरी हर्बल टी रेडी है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है गाइज, आई है ना, तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। यू नो वॉट, मैं क्यों कहती हूँ कॉमेंट करने के लिए, बिकॉज मैं आप लोगों के सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ और ये एक तरह की मोटिवेशन होती है मेरे लिए, मतलब आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं। सो डू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।